पाकिस्तान में 7 अक्टूबर सन 1958 को पहला मार्शल लॉ नाफिज करने वाले सदर सिकंदर मिर्ज़ा को तारीख ने ऐसा निशान इबरत बनाया कि ना सिर्फ इसने कसम कुर्सी की हालत में तवील जिलावतनी काटी बल्कि मरने के बाद इसे पाकिस्तान की मिट्टी में दफन होना भी नसीब ना हुआ। किसी ज़माने में सदर सिकंदर मिर्ज़ा इतने मजबूत थे कि मुल्क की सियासत इनकी उंगलियों पर नाचती थी, इनके इशारों से हुकूमतें बनती और बिगड़ती थीं और लोग इनकी नज़र इनायत के मुंतज़र रहा करते थे। सवाल यह है कि फिर इतना ताकतवर हुक्मरान कसम कुर्सी का शिकार कैसे हो गया? इसका दो लफ्जी जवाब है, मार्शल लॉ लगाने की वजह से, क्योंकि इसके नफाज के 3 हफ्तों बाद ही इनके अपने लगाए हुए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान ने इन्हें सदर के ओहदे से फारिग कर दिया। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा अफसर शाही और फौज की परवरदा शख्सियत थे, इसलिए मुल्क को जमहूरियत से आमरियत की तरफ धकेलने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। इनकी कोशिश थी कि वह सदर के ओहदे पर हमेशा फायज रहे, इसलिए इन्होंने सियासतदानों का ऐसा गिरोह तैयार किया जिसने साजिशों के ताने बाने तैयार किए। सिकंदर मिर्ज़ा के इशारों पर हुकूमतें बनती और टूटती रहीं, लेकिन फिर इनके इक्तदार को भी आग लगी इसी घर के चिराग से। जब वक्त ने पलटा खाया तो यही सिकंदर मिर्ज़ा अपने यारगार फील्ड मार्शल अयूब खान के हाथों मुल्क से जिलावतन कर दिए गए और फिर इन्हें पाकिस्तान में कब्र के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिल सकी। तकरीबन 200 साल पहले अंग्रेज़ों की मदद से नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर बंगाल में अपने इक्तदार का रास्ता हमवार करने वाले मीर जाफर की औलाद सिकंदर मिर्ज़ा के मिजाज में बुए सुल्तानी अभी तक मौजूद थी। पाकिस्तान के गिर्दोपेश में उस जमाने में 2 बादशाहतें मौजूद थीं, एक अफगानिस्तान की और दूसरी ईरान की। सिकंदर मिर्ज़ा जब इन बादशाहों के जाहो जलाल को देखते तो इनके दिल में भी ऐसी ही ख्वाहिशात सर उठाती। इस नौयत के कुछ आंखों देखे वाकयात कुदरतुल्ला शहाब ने भी बयान किए हैं। उनमें से एक वाकया काबुल के शाही महल दिलकुशा का है, जिसकी चकाचौंध देखकर सिकंदर मिर्ज़ा की आंखें खीरा हो गई, और दूसरा वाकया ईरान का है। सिकंदर मिर्ज़ा की अहलिया बेगम नाहिद मिर्ज़ा ने एक शाही ज़ियाफ़त का मंजर याद दिलाते हुए कुदरतुल्ला शहाब से एक दफ़ा कहा कि इन दावतों में 2-2 जर्नैल शाही ईरान के पीछे खड़े रहते हैं और यहाँ देखो मेजर के रैंक के ADC हमारे बराबर बैठकर खाना खाते हैं। इस पर तुम लोगों को कुछ सोचना चाहिए। पाकिस्तान की इब्तदाई सियासत की इस अलिफ लैला में किसे क्या सोचना चाहिए था? बस सोच के इस बहरान ने इस मुल्क ही नहीं बल्कि अच्छे भले ताकतवर हुक्मरान को जवाल से दोचार कर दिया। सिकंदर मिर्ज़ा के जवाल का जो सफ़र 8 अक्टूबर को मार्शल लॉ से शुरू हुआ था, 27 अक्टूबर को सदारत के मनसब से इनकी माजूली और 2 नवंबर सन 1958 को इनके मुल्क बदरी का बायस बना और इसी दरबदरी में ही वह मौत के मुंह तक जा पहुंचा। सिकंदर मिर्ज़ा की पैदाइश 13 नवंबर सन 1899 को मुर्शदाबाद मगरबी बंगाल में हुई थी। इन्होंने मुंबई के मुकामी कॉलेज से तालीम पाई और क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तान की वजारत दिफा के पहले सेक्रेटरी नामजद हुए। मई सन 1954 में मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर बना दिए गए, फिर वजीर दाखिला बने और रियासतों और कबायली इलाकों के महकमे भी इनके सपुर्द कर दिए गए। मलिक गुलाम मोहम्मद ने अपनी सेहत की खराबी की बिना पर इन्हें 6 अगस्त सन 1955 को कायम मुकाम गवर्नर जनरल नामजद किया। सिकंदर मिर्ज़ा 5 मार्च सन 1956 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पहले सदर मुंतखब हुए और 7 अक्टूबर सन 1958 को सियासी बहरान की आड़ में इन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। यूं इनका जवाल शुरू हुआ क्योंकि इन्होंने वही शाख काट दी जिस पर ये खुद बैठे थे। 27 अक्टूबर को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड मार्शल अयूब खान ने इन्हें बरतरफ कर दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर आइन ही नहीं रहा तो फिर सदर का ओहदा भी नहीं रहा, यानी जब आइनी शाख ही नहीं रही तो फिर सदारती आशियाना कैसा। 27 अक्टूबर की रात जनरल बरकी, जनरल आजम और जनरल खालिद शेख सिकंदर मिर्ज़ा के घर पहुंच गए। मुलाजमीन ने बहुत कहा कि साहब इस वक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन जर्नैल इतनी आसानी से कहाँ टलते हैं। इन्होंने स्लीपिंग गाउन में ही सदर सिकंदर मिर्ज़ा से पहले से टाइपशुदा इस्तीफे पर दस्तखत लिए और फिर कहा कि अपना सामान उठा लें क्योंकि आपको अभी और इसी वक्त ऐवाने सदर से निकलना होगा। सिकंदर मिर्ज़ा ने अपने ओहदे के बारे में कुछ बहस करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अहलिया नाहिद मिर्ज़ा एक बार फिर ज़्यादा मामला फहम साबित हुई और उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मेरी बिल्लियों का क्या होगा। यूं मुल्क के स्याह सफ़ैद के मालिक समझे जाने वाले सिकंदर मिर्ज़ा कसम कुर्सी की हालत में अपनी बिल्लियाँ मुलाजमों के हवाले करके मुल्क छोड़कर लंदन चले गए। पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है कि अयूब खान हो या सिकंदर मिर्ज़ा, आइन की मनसूखी और मार्शल लॉ के निफाज के बारे में दोनों के ख्यालात में कोई फ़र्क ना था। दोनों ने ये मुहिम इकट्ठे ही सर की थी, लेकिन सिर्फ 3 हफ्ते के दौरान ऐसे इख्तलाफात पैदा हो गए जिसके बायस मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान को ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। आइनी और कानूनी निज़ाम को लपेट कर मुल्क को एक नई और अनजानी मंजिल तक पहुँचा देने वाली इन दोनों शख्सियात के दरमियान नफाक का पहला बीज अयूब खान ही के एक मुतालबे से फूटा, जब इन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा से कहा कि वह 2 खतूत तहरीर करें, एक वज़ीर आज़म फिरोज़ खान नून के नाम जिसमें बताया जाए कि यह मावराए आइन कदम क्यों उठाया गया
और दूसरा खुद अय्यूब खान के नाम, जिसमें मार्शल लॉ के तमाम इख्तियारात बिला तरद्दुद उनके सुपुर्द कर दिए जाएं। सिकंदर मिर्ज़ा ने पहला ख़त तो फौरी लिख दिया, लेकिन दूसरा ख़त लिखने में इन्हें तामुल था। लेकिन 3 दिन की मज़ाहमत के बाद ये काम भी उन्होंने बिलाआख़िर कर दिया। सिकंदर मिर्ज़ा तादा में मर्ग ये शिकवा करते रहे कि मार्शल लॉ के नफाज के फ़ौरन ही बाद अय्यूब खान के तेवर बदल गए थे। उनके बकौल अय्यूब खान इतने शातिर थे कि मैकेवली भी इनसे धोखा खा जाता। इन दो खतूत के लिखे जाने के बाद मामला दुरुस्त होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। बल्कि सिकंदर मिर्ज़ा के बकौल अय्यूब खान ने इनसे निगाह मिलाकर बात करना भी बंद कर दी थी। दूसरी जानिब अय्यूब खान इल्ज़ाम लगाते हैं कि अपनी बीवी की बातों में आकर सिकंदर मिर्ज़ा मुतलकुल आनान शहनशाह बनना चाहते थे और इस मकसद के लिए वो मुझे कत्ल करने का मंसूबा भी बना चुके थे। अय्यूब खान के बकौल सिकंदर मिर्ज़ा ने इंटेलिजेंस के जरिए फौजी दस्तों की नकलो हरकत और उनकी पोजीशन के बारे में भी जानने की कोशिश की, जबकि एयरफोर्स के आला अफसर मकबूल रब के जरिए कई अहम जनरलों को गिरफ्तार कराने की कोशिश की। अय्यूब खान के बकौल ये एक ऐसी खतरनाक कोशिश थी जिसके नतीजे में मुसल्ला अफवाज के दरमियान तसादुम हो जाता। वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिकंदर मिर्ज़ा ने एयर कॉमोडोर मकबूल रब को टेलीफोन पर हिदायत जारी की कि वह बरी फौज के 3 जनरलों जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान, जनरल शेर बहादुर और जनरल हमीद को गिरफ्तार कर ले। इन गंभीर हालात में एक ही रास्ते के मुसाफिरों यानी मार्शल लॉ लगाने वाली दो ताकतवर शख्सियात के दरमियान तेजी से बढ़ने वाली ये दूरियाँ सिकंदर मिर्ज़ा के लिए जिंदगी भर का रोग बनकर रह गई और यहीं से अय्यूब खान के उरूज का सूरज तुलू हुआ। असल बात यही थी कि एक नयाम में दो तलवारों का समाना चूंकि मुमकिन ना था, इसलिए किसी एक को जाना ही था और जाना उसी को था जो ताकत से महरूम था। जवाल का जो सफर 8 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ से शुरू हुआ था, 27 अक्टूबर को सदारत के मनसब से सिकंदर मिर्ज़ा की माजूली और 2 नवंबर 1958 को इनकी मुल्क बदरी का बाइस बना। पाकिस्तान से जिला वतन किए जाने के बाद इन्होंने अपनी बकिया जिंदगी बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में गुजारी। सिकंदर मिर्ज़ा को 3,000 पाउंड पेंशन मिलती थी जिसमें इनका शाहाना गुजर बसर मुमकिन ना था। ताहम इनके ईरानी और बरतानवी रफाका ने इनकी माली और मुआशी मदद जारी रखी, जिसके बायस इन्होंने चंद साल निस्बतन बेहतर ज़िंदगी गुजारी। ताहम अपनी बीमारी के अय्याम में इन्होंने अपनी बीवी नाहिद मिर्ज़ा को मुखातिब होकर यहाँ तक कह दिया कि हम बीमारी के इलाज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुझे मर जाने दो। अय्यूब खान की इकतदार से माजूरी के बाद सिकंदर मिर्ज़ा ने पाकिस्तान वापस आने की कोशिश की, लेकिन इन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली। बिलाखिर 13 नवंबर 1969 को इनकी 79वीं सालगिरह के दिन लंदन ही में दिल के आर्जे के बायस इनका इंतकाल हो गया और वसीयत के मुताबिक ईरान में दफन हुए। ख्याल रहे कि सदर याहिया खान ने इनकी मैयत पाकिस्तान लाने और यहां दफन करने से साफ इनकार कर दिया था और इनके रिश्तेदारों को भी नमाज जनाजा में शिरकत से सख्ती से रोक दिया गया था। ईरान के बादशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने खसूसी तैयारी के जरिए सिकंदर मिर्ज़ा के मैयत तहरान लाने का हुक्म दिया। यहाँ सरकारी एजाज के साथ इनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। ताहम मुल्क की बुनियादें हिलाने वाले ताले आजमाओं को इस वाक़े से ये सबक सीखना चाहिए कि कई बरसों तक मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बने रहने वाले सिकंदर मिर्ज़ा को अगर पाकिस्तान में कब्र के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिल सकी तो इनका अंजाम सिकंदर मिर्ज़ा से भी बुरा हो सकता है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।